ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। भवानी मंडी में विश्व हिंदू परिषद द्वारा दिल्ली में हुई बलात्कार की घटना को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि दिल्ली केंट की एक नागल गांव में 1 अगस्त 2021 को शाम के समय 9 वर्षीय दलित समाज की एक बालिका के साथ पास ही के शमशान घाट पर वाटर कूलर से पानी लेने गई थी। वहाँ मौजूद एक पुजारी व उसके साथियों द्वारा बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर उसे चिता पर जला दिया गया। उसके बाद में बच्ची के माता पिता को पता चलने पर क्षेत्रवासियों के साथ जाकर जलती चिता को बुझाकर अर्धजले शरीर को निकाला गया, जिसे लेकर ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए केस से संबंधित सभी जांच अधिकारियों को कोताही न बरतते हुए संवेदनशील किया जाए। जब तक आरोपियों पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है तब तक परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की हो। इस संपूर्ण घटनाक्रम की कार्यवाही को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए तथा संपूर्ण दोषियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा व सरकारी नौकरी देने को निर्देशित कर पीड़ित परिवार की सहायता की जाए। बीपीएन न्यूज़ संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी, राजस्थान से खबर। राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय, भवानी मंडी, विषय दिल्ली कैंट के नागल गांव में दलित समाज की 9 वर्षीय मासूम बहन के साथ शमशान में एक पुजारी व उसके साथियों द्वारा जघन्य दुष्कर्म करके हत्या और शव को जलाने का घिनौना अपराध करने वाले दोषियों को फांसी की सजा और पीड़ित परिवार को किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने के संबंध में, महोदय, उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि दिल्ली कैंट के नागल गांव में 1 अगस्त 2021 की शाम को 9 वर्षीय दलित समाज की मासूम बहन पासी के शमशान घाट पर वाटर कूलर से पानी लेने गई थी। वहां मौजूद एक पुजारी व उसके साथियों द्वारा मासूम बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या करके उसे चिता पे जला दिया। उसके बाद वे बच्ची के माता पिता को पता चलने पर क्षेत्रवासियों के साथ जाकर जलती चिता को बुझाकर अर्धजले शरीर को निकाला गया। महोदय से निवेदन है कि उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए केस के संबंधित सभी जांच अधिकारियों को कोताही न बरतते हुए संवेदनशील किया जाए। जब तक आरोपियों पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती तब तक परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होनी चाहिए। इस संपूर्ण घटनाक्रम की कार्यवाही को